हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सानू। आज मैं आपके बालों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे आप एलोवेरा का यूज करके अपने बालों को लंबे, घने, सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 2 एलोवेरा प्लांट, क्योंकि मेरे बाल लॉन्ग हैं। हम इन्हें पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसे ही ढेरों टिप्स देते रहूं। वॉश करने के बाद हम छोटी नाइफ लेंगे और इसके साइड के कांटों को निकाल देंगे। फिर इसे बीच से 2 पार्ट में कट कर लेंगे और इसका अंदर का जो जेल होता है हम उसे निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह निकाल रही हूँ, ऐसे ही आपको भी निकाल लेना है। एलोवेरा के बहुत ही फायदे हैं। ये आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा में प्रोटियोलिटिक एंजाइम नाम के कुछ पदार्थ होते हैं, जो स्कैल्प के डेड स्किन को रिपेयर करते हैं और आपके मजबूत बाल उगाने में मदद करते हैं। साथ ही ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। एलोवेरा एक बेहतरीन कंडीशनर के रूप में भी काम करता है और आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। इसी तरह हम सारा जेल निकाल लेंगे और मिक्सर में इस जेल को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का झाग जैसा दिखेगा। हम एलोवेरा का ग्रीन पार्ट लेंगे और स्कैल्प में मसाज कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक ऐसे ही आपको अपने बालों में मसाज कर लेना है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो यह डैंड्रफ को भी कम करता है और स्कैल्प की खुजली को रोकता है। बालों का प्राइमरी प्रोटीन केराटीन होता है। एलोवेरा में भी एक केमिकल मेकअप होता है जो केराटीन के सिमिलर ही होता है, जो हमारे बालों की जरूरत के अनुसार न्यूट्रिएंट्स देता है, जो बालों को फिर से जीवंत करता है और आपके बेजान रुके हुए बालों में फिर से जान ले आता है और इसे अधिक सिल्की बनाता है। साथ ही आपके बालों को टूटने या झड़ने से भी रोकता है और आपके डैमेज स्कैल्प को भी फिर से रिपेयर कर देता है। अब हमने बालों में अच्छे से मसाज कर लिया। अब थोड़ा हम अपने फिंगर से हल्का हल्का मसाज कर लेंगे। अब हमने जो एलोवेरा का जूस निकाला है उसे लेंगे और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी। इसे मैंने 15 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हम इसे स्कैल्प में और बालों में ऊपर से नीचे, जड़ से लेके बालों के टिप तक अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहो तब इक्वल क्वांटिटी में एलोवेरा जूस और कोकोनट ऑयल को मिलाकर उससे मसाज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ जूस का ही पूरे बालों में यूज कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। एलोवेरा एक नेचुरल तत्व है जो अपने साथ फायदों का खजाना लेकर आता है। आप इसे खुद के किचन, गार्डन या बालकनी में भी आसानी से उगा सकते हैं। एलोवेरा बहुत ही जल्दी उगने वाला प्लांट है।
पूरे बालों में अच्छे से लगा लेने के बाद हम इसका अपने फिंगर से धीरे धीरे मसाज कर लेंगे लगभग 5 से 8 मिनट तक। आप चाहो तो 1 घंटे तक या 2 घंटे तक इसे छोड़कर बालों में हेयर वॉश कर सकते हो, लेकिन मैं इसे पूरी रात भर के लिए बालों में छोड़ दूंगी, जिससे हमें ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। आपको ऐसा वीक में 2 बार करना है। 3 दिन के गैप में आपको 2 बार इसे यूज करना है, या आप बहुत अगर बिजी रहते हो तो मंथ में आप 2 या 3 बार कर सकते हो। तो मैंने जूस भी लगा लिया है और मसाज भी कर लिया है। अब मैं इसे 30 मिनट तक के लिए सूखने को छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं करूंगी हेयर ऑयलिंग। तो एलोवेरा जूस जो मैंने लगाया था वो अब अच्छे से सूख चुका है। अब मैं लेती हूँ अपना ऑयल। मैं बायोटिक का ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा ही लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है हमें, बस थोड़ा सा लेना है और स्कैल्प में मसाज करना है। सूखने के बाद मैं कर लूँगी ऑयलिंग अच्छे से, धीरे धीरे मसाज करते हुए थोड़ा सा। आप अगर जूस और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगा रहे हो तब बाद में आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस रात भर आपको छोड़कर नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे शैम्पू से, या फिर 1 से 2 घंटे के बाद भी आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। सोने से पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके उनका एक ब्रिज बना लूँगी। मेरा ये डेली का रूटीन है, मैं खुले बाल या जूड़ा बनाकर नहीं सोती हूँ, मैं ब्रिज बनाकर ही सोती हूँ। तो इसे रात भर के लिए मैं छोड़ दूंगी और नेक्स्ट डे अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मैं दिखाती हूँ आपको मेरे बालों में इस एलोवेरा का क्या रिजल्ट मिला है और मेरे बाल कितने स्मूथ और सिल्की हो गए हैं। आप देख सकते हो एक भी बाल मेरे नहीं टूटे हैं, और जो टूटे भी हैं वो नहाते वक्त हेयर वॉश करते वक्त टूटते हैं। सो गाइज, यू कैन सी कितनी स्मूथनेस मिली है मेरे बालों को, कितने अच्छे से कॉम्ब हो रहा है ये। आपको एलोवेरा ट्राई जरूर करना चाहिए, आपके बालों को बहुत मजबूती देता है, साथ ही हेयर ग्रोथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं ऐसे ही ढेर सारे टिप्स देते रहूं। थैंक यू।